ओम शांति। सुनसान जंगल में एक व्यक्ति यात्रा कर रहा है और उसे अचानक एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ। वो व्यक्ति चारों ओर देखता है, कोई दिखाई नहीं देता, परंतु आवाज बहुत तीव्र है, आह भरी है, बचाओ बचाओ बचाओ। वो राहगीर चारों ओर देखता है, दूर दूर तक देखता है, पेड़ों पर देखता है, परंतु कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता, कोई भी व्यक्ति नहीं। और उस आवाज़ के नज़दीक जाता है तो पता चलता है वो आवाज़ ज़मीन के भीतर से आ रही है। एक व्यक्ति है जो एक गड्ढे में गिर गया है और वहाँ से वो चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ, मुझे बाहर निकालो। गड्ढा बहुत गहरा नहीं था, इसलिए ये जो यात्री होता है वो लेट जाता है उस गड्ढे के पास और अपना हाथ नीचे डालता है और उस फंसे हुए व्यक्ति से कहता है, अपना हाथ मुझे दो। वो नीचे का व्यक्ति बस देखते रहता है, ऊपर का व्यक्ति कहता है, चलो जल्दी करो, अपना हाथ मुझे दो। परंतु नीचे जो व्यक्ति है, जो अब तक चिल्ला रहा था मुझे बचाओ मुझे बाहर निकालो, वो बस देखते रहता है। ऊपर वाला व्यक्ति फिर कहता है, अपना हाथ मुझे दो, पर नीचे वाला नहीं देता है। जिसने हाथ नीचे डाला था वो यात्री थोड़ी देर आंखें बंद करता है और फिर सोचता है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, और फिर उससे कहता है, मेरा हाथ तुम पकड़ो। तब वो जो नीचे वाला है वो हाथ पकड़ लेता है, अपना हाथ दो। देने में रेजिस्टेंस है, लो हर एक चाहता है। देना जो है वो पेनफुल होता है, कोई किसी को कुछ भी देना नहीं चाहता, ये मनुष्य का स्वभाव है। जितना आ रहा है आने दो, और फ्री में अगर आ रहा है तो बहुत आने दो, एक्स्ट्रा भी रहेगा तो चलेगा, परंतु एक्स्ट्रा पड़ा रहे फिर भी किसी को देना नहीं है। वही मनुष्य का स्वभाव इस स्टोरी में काम कर रहा था, हाथ दो तो वो नहीं देना चाहता, लो तो वो व्यक्ति उसे पकड़ लेता है नीचे वाला और बाहर आ जाता है। देना ये क्या है? समय की पुकार। इसी हॉल में ये मुरली एक बार रिवाइज हुई है, 26 मार्च 2016 संडे, सेम मुरली थी संडे को, किसी ने भेजी आज। तो हम सोच रहे थे, जब पढ़ रहे थे, लग तो रहा था जानी पहचानी सी, पर 8 साल हो गए उसको, तो ज्ञान जो है वो भूल जाता है, उसको क्या करना होता है, बार बार रिवाइज रिवाइज रिवाइज, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पाठ करते रहो,
भागवत पाठ, हरि पाठ, ज्ञानेश्वरी पाठ, रामचरित्र मानस पाठ, भक्ति में क्या है? पाठ। पाठ अर्थात पढ़ना नहीं, बार बार पढ़ना, पठन करना, तब तक जब तक कि वो कंठ ना हो जाए। ये ज्ञान है कंठ करने के लिए, साकार महावाक्य है बाबा के, ये ज्ञान है कंठ करने के लिए। आकंठ भर जाने दो उसको, क्योंकि विकारों के संस्कार बहुत गहरे हैं। नींद है, माया से कैसे छूटे प्रश्न होता है। कोई ये प्रश्न नहीं पूछता है कि स्वप्न से कैसे छूटे। जब जान लिया ये स्वप्न है अर्थात छूट गए, उसी तरह जब जान लिया ये माया है उसी समय छूट गए, जब जान लिया ये अज्ञान है छूट गए, जब जान लिया ये विकार है छूट गए, जब जान लिया कि ये दुखदाई है छूट गए। उसी क्षण नहीं छूट रहे अर्थात जाना नहीं है, या फिर जानने का भ्रम हुआ है। जैसे ही समझ लिया ये स्वभाव मुझे बहुत दुख देता है, परंतु पूरा नहीं जाना इसलिए वो स्वभाव अभी भी चालू है। जान लिया काम विकार बहुत दुख देता है, हर क्रिया पश्चाताप की ओर ले जाती है, आत्मग्लानि की ओर ले जाती है, दुख के सागर में डुबो देती है, फिर भी वो रियलाइजेशन इतना गहरा नहीं है कि व्यक्ति उसे छोड़ने का आजन्म के लिए प्रतिज्ञा ले ले। किसी ना किसी रूप से, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी माध्यम से, शरीर के तल पर नहीं तो मन, वाणी के तल पर नहीं परंतु मन के तल पर वो भंग होता है। पहले तो ये जानो कि हम अज्ञान में हैं। सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी तो कहीं ज्ञान की प्यास जागेगी कि मुझे और समझना है, और समझने की विधि है मुरलिया, ज्ञान, अध्ययन, पढ़ाई। तो आज की मुरली क्या कहा आज बाबा ने? सबने सुनी है, सबने पढ़ी है, लेके भी आए हैं, नोट्स निकाले हैं, डिस्कस की होगी, हो सकता है सेंटरों पर क्लास कराई होगी, बहुत सारी बातें। एक ही मुरली में ढेर सारा खजाना होता है, क्या क्या ले और किस किस विधि से ले, किस टेक्निक से उसका अध्ययन करे, कैसे उसे स्मृति में वो छप जाए। अगर यही मुरली एक हफ्ता दो हफ्ता पहले होती तो भी शायद इतना कुछ भी याद नहीं आती। ज्ञान इतना गुड़ है और कठिन भी है। और बहुत सी बातें तो समय के साथ ही समझ आती है, केवल पढ़ने से, याद रखने से कुछ समझ नहीं आता है। जब तक जीवन में उससे रिलेटेड कोई परिस्थिति नहीं आ जाती और पावरफुल धक्का नहीं लगता है, चोट लगनी चाहिए अच्छी वाली, निंदा 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 हजारों बार सुन रखा है, निंदा स्तुति में समान, निंदा स्तुति में समान, निंदा स्तुति में समान, सुनकर कुछ नहीं होता है, क्योंकि कानों को स्तुति सुनने की बहुत आदत है। निंदा की आदत है क्या? जरा सी भी नहीं है। और वो सुनते ही चोट लगती है। तो इस मुरली से हम सात बातें उठाएंगे। पहला, अटेंशन। किस बात का अटेंशन रखना है?
दातापन के बारे में कुछ ना बताना, उसके बारे में नहीं है वो। अटेंशन कौन सा अटेंशन रखना है, एक ही जगह बोला है और उसको ही रिपीट किया है 2-3 बार कि ये अटेंशन रखो, ये अटेंशन रखो, इस पर तुम्हारा अटेंशन होना चाहिए। कौन सा अटेंशन? हमको तो दाता वाला याद है बस। ये अटेंशन कहाँ से आ गया बीच में? लक्ष्य और लक्ष्य में समानता हो। छोटा लक्ष्य नहीं रखना है। कोई ऐसा कहता है चंद्रवंशी, उसके लिए हाथ उठाए बाबा ने वहां पर, नॉट फेलियर बट लो एम इज अपराध क्राइम। लक्ष्य ये छोटा रखा है, ऊंचा लक्ष्य रखना है, महान लक्ष्य रखना है, श्रेष्ठ लक्ष्य रखना है। तो सबसे पहला ए फॉर अटेंशन, ये अटेंशन कि मेरा लक्ष्य क्या है। और लक्ष्य अर्थात केवल पूरे जीवन का नहीं, लक्ष्य एम टारगेट, आज क्या करना है पूरे दिन भर, एक ही दिन में कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। टाइम वेस्ट नहीं करना, ये लक्ष्य। व्यर्थ सोशल मीडिया पर नहीं जाना, ये लक्ष्य। व्यर्थ बातें नहीं, ये लक्ष्य। सारा समय ज्ञान अध्ययन में बीते, या सेवा में, या याद में, चिंतन में, मनन में, एकांत में। सो द फर्स्ट इज अटेंशन। अटेंशन अर्थात उसको फिर से स्मृति को इमर्ज करना, तो ये करना है, ये भूल गए थे अभी याद आया, नाउ आई विल डू इट। डायरी लिखनी है, ये भूल गया था, लिखो। कुछ तो एक नई चीज़ सीखनी थी, कोई नई कला, कोई नई किताब। माइंड को न्यू आइडियाज़ चाहिए, और न्यू आइडियाज़ जो होती है वो कहाँ से आती है? मुरली छोड़कर अमृत वेला आज का वरदान भी है, स्लोगन भी है, प्लेन बुद्धि होकर बैठो, टच होगी, सेवा की विधि है, वो नहीं। अनरिलेटेड लोगों से, छोटा सा बच्चा है ना, वहाँ से आ सकते वो आइडिया। अनरिलेटेड वो जो पड़ोसी है ना, बूढ़ा व्यक्ति, उससे, जो रास्ते से में जो मिल गया ना उससे, जो सिक्योरिटी में खड़ा है ना भाई उससे। ज्ञानियों की क्लासेस और ज्ञानियों तो हमने बहुत सुना है, पर ये जो दूसरे लोग हैं ना उनसे कुछ प्राप्त हो सकता है, उनसे डिस्कस करने से कुछ मिल सकता है। और वो डिस्कस भी ऐसे नहीं कि मेरी ये समस्या है तुम हल बताओ, ऐसे नहीं, और फिर क्या चल रहा है, उसकी देखो, कोई समस्या होती है घर पे, कुछ नहीं है, वो कैसे हल करता है उसको, वो इनडायरेक्ट मेथड है। दिस इज टेक्निक नंबर 1। ऐसी बहुत सारी है बट ये एक है। दूसरा किताब, सेकंड टेक्निक बुक, थर्ड टेक्निक कोई कोर्स ज्वाइन करना। ये मत बोलो हम तो बूढ़े हो गए अभी, क्या बाल हो रहे, अभी टाइम ही नहीं है, अभी क्या क्या करे, मुरलिया पढ़े या कोई कोर्स ज्वाइन करे। ज्वाइन सम ऑनलाइन कोर्स, कुछ नया सीखो, जो अब तक सीखा नहीं था, जो सीखना था, वो म्यूजिक हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकती है, कुछ भी। दिस विल स्टिमुलेट न्यू थॉट्स। न्यू आइडियाज कहाँ से आएगी? सबसे पहले तो अनरिलेटेड लोगों से, दूसरा बुक से, तीसरा कोर्सेस, ऑनलाइन कोर्सेस, चौथा यूजिंग मेटाफर, कैरेक्टर रिप्लेसमेंट,
अर्थात जीवन की जो परिस्थिति है, एक ऑफिस है उसमें दो लोग हैं, दोनों के झगड़े हैं। एक घर है, पति है पत्नी है, दोनों के कुछ झगड़े हैं, इश्यूज है, मनमुटाव है, आपस में संघर्ष है, इमोशनल इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, जेलसी इश्यूज, कुछ ना कुछ है। आपस में मनमुटाव है, मनोमालिन्य, सम कॉन्फ्लिक्ट, सम क्राइसिस, सीनियर्स जूनियर्स, जूनियर्स जूनियर्स, जूनियर्स सीनियर्स, कुछ तो है। सो वन ऑफ द टेक्निक इज मेटाफर। मेटाफर अर्थात रूपक, रूपक अर्थात कैरेक्टर रिप्लेसमेंट, अर्थात एक ऑफिस में जहाँ दो लोग हैं और कुछ गड़बड़ है, और उसमें से मैं एक हूँ और मेरे साथ कुछ हो रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति है, इस परिस्थिति को समझने के लिए इसको रिप्लेस कर दो। सोचो एक क्रिकेट का ग्राउंड है और ये सारे खिलाड़ी है, उन दो के बीच ये हो रहा है, मैं नहीं हूँ, उन दो के बीच हो रहा है। अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे? वहाँ पे एक साक्षी भाव आएगा कि ये मेरे साथ नहीं, उनके साथ हो रहा है। सेम दो व्यक्ति है, दोनों में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, टू मच अटैचमेंट। दो व्यक्ति, दो सन्यासी एक ही साथ आश्रम में प्रवेश करते हैं और दोनों में ही अटैचमेंट हो गया और दोनों ही एक दूसरे के लिए बाधा बन चुके हैं, जबकि दोनों का ही लक्ष्य महान है, मुक्तिपथ तक पहुँचना। हाउ डू दे विल सॉल्व? यह है आश्रम, यह है आश्रम की परिस्थिति, कैरेक्टर रिप्लेसमेंट। उसको डाल दो, ये जंगल है, एक है भालू एक है शेर, कैरेक्टर रिप्लेस करो। अब उन दोनों में लगाव हो गया है, पहले फ्रेंडशिप थी, अभी बहुत अटैचमेंट हो गया डीप। अब शेर धीरे धीरे किसके वश है? भालू के वश, उसका दबदबा कम हो गया है। नाउ थिंक, नाउ न्यू आइडियाज कम, फिर न्यू आइडियाज आती है। हाँ, ये दिस इज वन टेक्निक। नेक्स्ट, आस्किंग क्वेश्चंस। एक समस्या है ना, उसके प्रति प्रश्न पूछो, क्योंकि वो समस्या क्या है वही क्लियर नहीं है अब तक। हर समस्या में उत्तर छिपा हुआ है, हर समस्या में उत्तर 50% आंसर उसी में है, पर वो प्रॉब्लम है क्या वो क्लियर होना चाहिए। उसको लिखो, कई बार लिखो, अलग अलग समय पर लिखो, तब वो क्लियर होगा। हाँ, अभी उसके तरफ देखने का दृष्टिकोण, प्यूरिटी 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 पर, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है? एग्जैक्ट प्रॉब्लम प्यूरिटी नहीं है, प्रॉब्लम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में भी प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द डेप्थ ऑफ इट? सभी को देखकर विकार नहीं जागते, कोई एक है उसको देखकर जागते। प्रॉब्लम उस तल पर है, और डेप्थ में जाओ, और डेप्थ में जाओ, और तब पता चलेगा प्रॉब्लम शरीर का है ही नहीं, प्रॉब्लम रिलेशनशिप का है, क्योंकि संबंध ही उस तरह का जोड़ा है। उसकी और गहराई में जाओ तो पता चलेगा संबंध का भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो शरीर के भीतर है, सुख मिलता है शरीर में, ऊर्जा शरीर से बाहर जाते ही सुख मिलता है। तो ऊर्जा अगर शरीर में स्थित हो जाए तो कैसा सुख मिलेगा? इफ दैट इज वन यूनिट, दिस इज 1000 यूनिट। प्रॉब्लम यहां है, ग्रॉस स्थूल, उसके टुकड़े टुकड़े करो, और डेप्थ, और टुकड़े करो, और डेप्थ, और नीचे, और नीचे, और नीचे, और नीचे, और नीचे, और नीचे, टुकड़े 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 करते जाओ, एक छोटा टुकड़ा जब तक बचता नहीं, खंडन करते जाओ उसका, कि व्हाट इज द प्रॉब्लम? हर्ट होने का प्रॉब्लम है, सेंसिटिव नेचर का प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ बोला तुरंत हर्ट होते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम उसके भीतर छिपा हुआ है। डेप्थ 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 डेप्थ, बार बार रोना आता है, ये प्रॉब्लम तो बहुत ऊपर ऊपर है। एक्सप्लोर द क्वेश्चंस करना और वहां तक पहुंचना, दिस इज वन टेक्निक। नेक्स्ट, चेंज द प्लेस, स्थान को ही बदल देना थोड़े समय के लिए, कहीं और जाके आओ, हफ्ते में एक दिन,
कहीं छुट्टी होती है, महीने में 2 दिन कहीं छुट्टी होती है, अगर छुट्टी है ही नहीं तो पूरी दिनचर्या में भी 1 घंटा प्रकृति के सानिध्य में चले जाओ, वो भी नहीं तो टेरेस पे चले जाओ, वो भी नहीं तो बाबा के कमरे में ही बैठ जाओ, परंतु एकांत चाहिए। वहाँ पर न्यू आइडियाज़ आएगी, न्यू ट्रिक्स, न्यू आइडियाज़, उसके सिवा न्यू आइडियाज़ नहीं आते। नेक्स्ट टेक्निक, कनेक्ट द माइंड। अगली टेक्निक क्या है? माइंड को डिसकनेक्ट कर देना। जैसे कोई एक समस्या है, उसके बारे में हम सोच रहे, आंसर ही नहीं आ रहा है, मीटिंग कर रहे हैं, उससे टोटल डिसकनेक्ट कर दो, एक्सरसाइज करना चालू कर दो, भूल जाओ प्रॉब्लम के बारे में, स्टार्ट एक्सरसाइज, गो टू जिम एंड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, उसको भूल ही जाओ कि कुछ था, वह एक्सरसाइज करते करते अपने आप उत्तर आएगा। अनरिलेटेड चीज करो, गो फॉर लॉन्ग वॉक, अनरिलेटेड चीज, स्टार्ट सिंगिंग म्यूजिक, अनरिलेटेड चीज, उत्तर वहां आएगा। एंड लास्ट टेक्निक, ये तो सबसे आसान है और सबको पसंद है, स्लीप ऑन इट, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्लीप ऑन इट, ज्यादा सो जाने का बस, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। कोई भी वो डिसकंटिन्यू माइंड में है, एनी एक्टिविटी, वो उसमें डूब जाओ, माइंड को डिस्कनेक्ट कर दिया। एक होता है स्थान बदलना, वो अलग, माइंड डिस्कनेक्ट करना वो अलग, और अभी जो बता रहे हैं वो है स्लीप ऑन इट। अर्थात मैडम क्यूरी, बहुत प्रसिद्ध नाम है, 2 नोबेल प्राइज मिले हैं इस लेडी को, वो एक समस्या पर काम कर रही थी, एक प्रॉब्लम था उस पर काम कर रही थी, कई दिनों से काम कर रही थी, उत्तर ही नहीं आ रहा, दिन रात सोच रही है, डिस्कस कर रही है, और एक रात सोचते सोचते नींद लग जाती है, सो जाती है। आधी रात को वो कब उठती है और कब लिख देती है उत्तर और फिर सो जाती है। दूसरे दिन जब उठती है तो देखती है, अरे ये तो उत्तर है और ये लेखा मेरा ही है। सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो गया। तो जब कोई भी समस्या का समाधान आ ही नहीं रहा है, बिल्कुल समझ ही नहीं रहा क्या करना है, आराम से लेटे हुए सोचते सो जाओ। पर ये गारंटी नहीं है कल दूसरे दिन मिलेगा, नहीं तो कहेंगे हमने भी ऐसा किया और हमको तो मिला ही नहीं। बाबा ने कहा प्लेन बुद्धि होकर, वो भी होना चाहिए उसमें। कितने हो गए ये पॉइंट्स? 8। तो अलग अलग तरीके से और सारे एक साथ सब मिला दो। तो पॉइंट नंबर 1, अटेंशन, आज की मुरली से ए फॉर अटेंशन। किस बात का अटेंशन? लक्ष्य और लक्षण। तो मेरा लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य क्लियर चाहिए, क्लियर है ही नहीं, उसकी कोई क्लैरिटी नहीं, ये कोई लक्ष्य नहीं है, बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है और लक्ष्मी नारायण बनना है, ये उत्तर तो बिल्कुल मत देना, ब्रह्मा बाप समान बनना, अरे वॉट, गोल जो है ना, इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक, स्मार्ट गोल, SMART, इसके लिए पढ़ लेना इसके बारे में, व्हाट इज स्मार्ट गोल। बी, ब्राह्मण कल्चर, आज की मुरली में क्या कहा बाबा ने? ब्राह्मण कल्चर, भारत का कल्चर नहीं, विदेश का कल्चर नहीं, भारत के कल्चर में क्या है? बहुत गड़बड़ नहीं, क्या है? किटपिट, ना फॉरेन का कल्चर ना इंडिया का कल्चर, कौन सा कल्चर? ब्राह्मण कल्चर। और उसमें 2 बातें हैं, कौन सी? एक स्वमान में रहो और दूसरा स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वमान को आज की मुरली में बाबा ने देखा, अगर स्वमान नहीं है तो याद ही नहीं है, स्वमान इज मस्ट फॉर रिमेम्बरेंस, मुरली की शुरुआत। तो एक नई संस्कृति, एक नए कल्चर में प्रवेश करना, अर्थात जहां हम राजा है, स्वराज्य, हमारी इंद्रियां हमारे वश में है। इंद्रियां अगर धोखा दे रही है दिन भर में, सबसे ज्यादा आंखें क्या देख रही है, कान क्या सुन रहे हैं, तो इस कल्चर में हम नहीं हैं, यदि ये 2 बातें नहीं है तो। समान नहीं है, पर कौन से विचार है? समान के विरुद्ध क्या है? खुद के प्रति इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स,
हीन भावना है, आप मेरे से तो नहीं होता है, मैंने कभी किया नहीं, बहुत निर्बल कमजोर विचार है, एग्जाम है, एग्जाम से पहले ही सोच के रखा मैं तो पास होना हमारे बस की बात नहीं है, कमजोर विचार, कमजोर थॉट, कमजोर संकल्प है, मेरे से तो होता नहीं, हमने पढ़ाई भी नहीं की, हम तो ऐसा ही हुआ है, हमेशा ही ऐसा हुआ है, बहुत हीन भावना है खुद के प्रति, मेरे से तो नहीं होगा, और मुझे तो लेके भी मत जाओ क्योंकि जहां मैं जाता हूं ना वहां पे गड़बड़ होती है, यहां तक बोलने वाले हैं। इतना खुद के लिए हिम्मत, साहस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नया करने जाओ तो इच्छा नहीं होती है कुछ नया करने की, वही चलने दो, उसी लीक पर चल रहे हैं, सेम लीक, वही दिनचर्या जो बना के रखी है 10 साल पहले वही चल रही है, वही कमेंट्री जो 10 साल पहले सुनी थी, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, वही चालू है अभी तक, उसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे कोर्स 10 साल पहले कराते थे अभी भी सेम कोर्स करा रहे, जैसे पहले समझाते थे अभी भी सेम, उसमें कोई, जो शिवरात्रि तब मनाई थी बस सेम शिवरात्रि चालू है, सेम परंपरा को फॉलो किया जा रहा है, कुछ भी उसमें नवीनता नहीं, कुछ भी उसमें चेंज नहीं। तो ब्राह्मण कल्चर अर्थात स्वराज्य अधिकारी और समान, समान के खिलाफ दो चीजें हैं, एक अभिमान और दूसरा हीन भावना, ये दोनों ही दुश्मन है, समान ऊपर ये दो नीचे, ट्रायंगल अगर निकालो तो समान ऊपर है, समान अहंकार भी नहीं है, समान अभिमान नहीं है, समान घमंड नहीं है, समान अस्मिता है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, स्वयं आत्मा आत्मा के लिए जो सम्मान करती है या भगवान ने जो उसे सम्मान दिया है वो है समान, हायर कॉन्शियसनेस है, बाकी अहंकार तो विकार की कैटेगरी है, घमंड विकार की कैटेगरी में आता है, समान विकार की कैटेगरी में नहीं आता है, दिव्य गुणों में भी नहीं, उससे भी ऊपर है वो तो, समान अर्थात हायर कॉन्शियसनेस, शुद्ध बिल्कुल ऊपर आत्मा, जैसे कृष्ण गीता में जो वचन है, धृतराष्ट्र को गीता सुना रहा है संजय, संजय कहता है अब भगवान कह रहे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं अहम आदिश्य मध्यश्य, मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ, तो धृतराष्ट्र कहता है अच्छा श्री कृष्ण ऐसा सब कह रहे, ये तो बहुत घमंडी है फिर, परंतु संजय कहता है नहीं राजन, उनकी वाणी में जरा भी अहंकार नहीं है, पर कह तो रहे मैं ही सब कुछ हूं, हे अर्जुन सुन, ये सारा संसार जो है मेरे छोटे से अभिव्यक्ति है मेरी, मुझ में ये देख, मुझ में वो देख, सब कुछ मुझ में समाया हुआ है, सारी सृष्टि मेरे अंदर है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं यज्ञ हूं, मैं वेदों में वैसा हूं, पांडवों में अर्जुन हूं, बहुत लंबा पूरा अध्याय है गीता का, पर जरा भी अहंकार नहीं है, समान वो है, और अहंकार कौन सी कैटेगरी है, विकार, और हीनता कौन सी कैटेगरी है, वो भी विकार की ही कैटेगरी है, ये भी विकार ही है, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मेरे इसमें कमजोरी है, मैंने कभी किया नहीं है, मेरे पास अनुभव नहीं है, मुझे तो आता ही नहीं है, हमको तो मोबाइल ही चलाना नहीं आता, इसको पकड़ लिया है कुछ कुछ माताओं ने, उससे रिलेटेड जो भी काम है अब मत बताना हमको, ये सेवा मुझे नहीं आती है, आती नहीं तो सीखो, सीखना नहीं है उसकी बहाने है, ये लर्न अपडेट ज्ञान, अपडेट नॉलेज, अपडेट योगा टेक्निक्स, अपडेट मेडिटेशन टेक्निक्स, तो हम कहाँ थे, पहला अटेंशन, गोल को रिवाइज करना, लक्ष्य लक्षण, बी ब्राह्मण कल्चर, सी कॉल ऑफ द टाइम, क्या है कॉल ऑफ द टाइम, दाता बनो, तो दाता के लिए कम से कम 14-15 बातें हैं, क्या क्या दादा के लिए ढेर सारी बातें हैं, कौन कौन सी,
दाता अर्थात सेवा और याद, कर्म और योग। तो दाता कौन बन सकता है? जो समान में है, समान में रहने वाला ही याद कर सकता है और याद वाला ही सेवा कर सकता है। और सेवा अर्थात सेवा एक छः चार घंटे की नहीं, निरंतर सेवा, हमेशा सेवा की स्टेज में वो बाप साथी है। और ये जो सेवाधारी है वही दाता बन सकता है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया समान, जो समान में है वही दाता है। दूसरा, जो याद में है वही दाता है। तीसरा, जो सेवाधारी है वही दाता है। चौथा, जिसका सभी के प्रति प्रेम है वही दाता है। अगला, जो इच्छा मात्रम अविद्या, लास्ट में कहा है, केवल वही दाता है। अगला, जो संपन्न है वही दाता है। अगला, जिसे लेने की कोई इच्छा नहीं है वो दाता है। अगला, रिगार्डलेस ऑफ रिसीवर स्टेटस, रिसीवर का स्टेटस चार पांच बताए हैं। क्या क्या स्टेटस है रिसीवर के? देने वाला न दे उससे कोई लेना देना नहीं है, देता है लेता है। मान दे न दे उससे कोई लेना देना नहीं है, बुरी वस्तु दे अच्छी वस्तु दे उससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे न चाहे उससे भी कोई लेना देना नहीं है। रिगार्डलेस ऑफ रिसीवर स्टेटस, देना है बस। तो ये एक पॉइंट। और जो क्षमा का मास्टर सागर हो, उसके प्रति शुभ भावना शुभ कामना हो, और बेहद की शुभ भावना शुभ कामना बेहद की भावना हो। और दाता की क्राइटेरिया वो भी है, वो दूसरी जगह लेंगे उसको। और दाता की क्राइटेरिया मनसा वाचा कर्मना, दाता कैसा? मन से देने वाला, वाचा से देने वाला, कर्मना से देने वाला। और दाता की कोई एज लिमिट नहीं है, कब से ज्ञान में आए वो पूछा है ना बाबा ने, छः महीने से है, कितने महीने से आए हो, छः महीने से आए, एक महीने से आए, उससे कोई लिमिट नहीं है। रिगार्डलेस ऑफ, जिस दिन आए जो मिला उसको तुरंत दो। और देने से क्या होता है? बढ़ता है, खजाने बढ़ते हैं। किसी को सामान दो, सामान तुम्हारा बढ़ेगा अगर किसी को दे दो तो। और एक व्यक्ति होता है जो मिलिट्री में है, मिलिट्री का ऑफिसर है, और मिलिट्री के उस अफसर को घर से तार आता है कि आपकी मदर जो है, मम्मी जो है, बहुत सीरियस है, जल्दी आ जाओ। तो फटाफट लीव अप्लाई करता है और सीधा हॉस्पिटल ही पहुंचता है। और वहां जाकर एक बूढ़ी बूढ़ी माता है, वो बस अंतिम सांसें गिन रही है। वो वहां जाके बैठता है, वो माँ, उसकी माँ वो कहती है कि अच्छा बेटे तुम आ गए, उसको धुंधला सा दिख रहा है। वो कहते हैं हाँ मैं माँ मैं आ गया हूँ। वो उसके हाथों में हाथ रखती है, हाथ पकड़ती है, उसको आंसू आते हैं, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, कहाँ चले गए, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, शी इज़ गैस्पिंग, बस लास्ट स्टेज है अब। और आँखों में अंधेरा आता है, आता है, आता है, आता है, और धीरे धीरे वो शरीर छोड़ देती है। फिर डॉक्टर आते हैं, नर्स आते हैं, तो कहते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि योर मदर इज़ नो मोर। तो अभी आप बताओ इनको सब करना है, कहाँ लेके जाना है, आपका घर किधर है? वो कहता है आई डोंट नो दिस लेडी, ये मेरी माँ है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है कौन है, कौन सा घर, इसके रिश्तेदार को बुला लो। तो कहते जब तुमको पता ही नहीं तो तुम यहाँ बैठे क्यों, और उसके हाथ में हाथ लिया और तुम तो उससे बातें कर रहे थे। वो कह रहा था मैं तो अपनी मम्मी को ढूंढने आया था, पर ये माता मुझे दिख गई तो मैं यहाँ बैठ गया, और उसको लगा मैं ही मेरा बेटा हूँ, उसका बेटा हूँ, तो मैं ही क्यों उसको बताऊँ कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। उसको बस जाते समय ये खुशी चाहिए थी कि मरने से पहले मैंने अपने बेटे को देख लिया, इसलिए मैं भी शांत रहा। अब इसके जो भी रिश्तेदार हैं उनको बुला लो। तो मरते हुए को भी क्या देखे गया, एक खुशी दे दी ना। खुशी देने के लिए कंटिन्यूस योग में बैठने की खाली आवश्यकता नहीं है, ढेर सारी मुरलियां बैठकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, टाइम पर किसी को मदद कर देना, बस दैट्स इट। उसमें संपूर्ण ज्ञान समाया हुआ है, वही समय की पुकार है। और समय की पुकार के लिए और एक चीज कही, तुम कौन हो इष्ट देव, तुम्हें पुकार सुनाई देनी चाहिए, नहीं तो दो प्रकार की मालाएं हैं, कौन सी पड़ेगी तुम्हारे, फूलों वाली या कंप्लेंट वाली।
उलाने वाली नहीं पढ़नी चाहिए। तो तुम इष्ट देव हो, इष्ट देवी या हो, इसलिए तुम्हें देना है, और लेने की इच्छा नहीं रखनी है, केवल देना है और निस्वार्थ भाव से देना है, और देते जाओ, और कब देना है, हर समय देते रहना है, हर रीति से देते रहो, दो रीति से, दो रूपों से, एक मुरली इस पर थी कभी। तो ये क्या है, कॉल ऑफ द टाइम, ये कॉल ऑफ टाइम है, देना, टाइमली हेल्प। योग चल रहा है और अचानक किसी को छाती में दर्द हो गया तो हम सोचेंगे नहीं मैंने तो देखा ही नहीं, इतने लोग तो बैठे हैं वो देखेंगे उसको, टाइमली हेल्प। अपने योग का समय छोड़कर किसी की मदद करना, अपने ज्ञान का समय छोड़कर किसी की मदद करना, गोइंग आउट ऑफ द वे एंड हेल्पिंग, उसके एक्स्ट्रा मार्क्स है, बाकी रूटीन मार्क्स है। ए फॉर अटेंशन, बी फॉर ब्राह्मण कल्चर, सी फॉर कॉल ऑफ द टाइम, डी ड्रिल। इस मुरली में एक ड्रिल है, कौन बताएगा? कौन बताएगा? रेडी स्टेडी गो, तीन शब्दों की ड्रिल है, कौन सी? रेडी स्टेडी और गो। पहला है पंख पावरफुल, बाबा उड़ो, पंख पावरफुल, ऐसे करेंगे सभी, पंख पावरफुल, पंख पावरफुल, बाबा उड़ो, बाबा उड़ो। तो पंख पावरफुल है ना, बाबा कहा और उड़ा, पंख पावरफुल करो, हाँ बाबा और उड़ा। ये ड्रिल है इस मुरली में, एक शब्द की ड्रिल है, कौन सा शब्द है? बस बाबा। परंतु पंख कैसे हो? पावरफुल, रेडी स्टेडी गो, पंख पावरफुल, बाबा और उड़ो। जो ग्रुप्स आते हैं ना उनको करा देना ये ड्रिल, या क्लास में करा देना अपने स्टूडेंट्स को, एक्शन होनी चाहिए ड्रिल के साथ। पहले ऐसा वाला करेंगे ना, हाथ के साथ वाला, तो फिर योग में जब बैठेंगे ना तो अपने आप उसकी अनुभूति होगी। योग में बैठ के मत करना, पर वो मनसा करना, मानसिक जब चार प्रकार के होते हैं उसमें चौथा वाला अजपा होता है। पहले तीन जो है वो अलग अलग कैटेगरी के है। तो डी फॉर ड्रिल, ई फॉर एम्प्टी, दिमाग खाली और दिल साफ, ये दो बातें हैं। दिमाग कैसा हो? खाली। बाबा ने कहा दिमाग को खाली कर दो, और दिल कैसा हो? बहुत साफ। और लास्ट में बीच में वो डबल फॉरेनर से मिले, वहां पर भी साफ दिल की सफाई के बारे में कहा, साफ हो। चीटिंग वाला जो दिल होता है ना, चीटिंग, थोड़े देर के लिए खुशी होती है चीटिंग करने के बाद, पर बाद में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। एग्जाम में चीटिंग करना बहुत आसान है, और चीटिंग करने में तो बहुत एक्सपर्ट है सब, गूगल सर्च 50 out of 50, 3 मिनट में पेपर सॉल्व, चीटिंग। बाबा को चीटिंग वाले पसंद नहीं है बिल्कुल। दिल साफ और दिमाग खाली। कोई तुमको बुरी चीज दे तो लो मत। मुरली में आया ना आज, शुभ भावना शुभ कामना, और वरदान और स्लोगन में भी है। स्लोगन में क्या है? सुबह कैसे बैठो? प्लेन बूटी, दिमाग को खाली कर दो। और वरदान में क्या है? दिल की बातें दिल जाने और दिलाराम जाने, वो संतुष्ट रहेंगे। इसलिए दिमाग को क्या करो? खाली, सरेंडर कर दो। सब कर लिया बाबा,
तुम बताओ क्या किया, तुम मेरी लाखों राज लाज हरी। सब कर लिया, लड़ाई ही चालू है, मेंटल बैटल, मानसिक युद्ध चल रहा है, कब से चालू है। अध्यात्म में अंतिम जो विधि है उन्नति की, वो है समर्पण। सब कर लिया, सब, एक व्यक्ति, एक कमी है जो 10 साल से चल रही है, 20, सब कुछ कर लिया बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं छूटा है, और नाउ छोड़ दो, ये एक बाकी है, वो पूरी रीति से नहीं किया है। दंडवती लेट जाओ कभी देख के, कोई नहीं है ना, दंडवत प्रणाम। जगदीश भाई ने कहा एक क्लास में, जब ज्यादा कुछ भी समझ नहीं आता है ना, बाबा के सामने ऐसा डायरेक्ट लेट जाओ, पैर छोड़ूंगा ही नहीं बाबा, जब तक तुम मानोगे नहीं मैं हिलने वाली नहीं हूं। कुछ भी कर लो, भीड़ कितनी भी लगने दो बाहर, तुम्हारे मंदिर में मैं नहीं हटूंगा, बस पकड़ के रखना उसको, बताओ क्या करना है, जब तक नहीं बताओगे मैं नहीं हटूंगी। मैंने कहा ना। जिद, रूहानी जिद, जिद है मेरी कि तुम ही बताओ क्या करना है, अब किससे नहीं सुनूंगा, बहुत सुन लिया, अब जिद है मेरी, तुम और केवल तुम। तो दिमाग को क्या करो, खाली करो। ये काम कब करना है, अमृत वेला, पूरा खाली कर दो। एक बच्चा होता है जो रोज लेट उठता है, एक दिन जल्दी उठ जाता है, देखता है दादाजी जो है ना वो उठे हैं सुबह सुबह प्रार्थना कर रहे, तो दादाजी पूछते आज क्या तुम जल्दी उठ गए, वो कहता है नहीं आज हमारे स्कूल में टेस्ट है और सरप्राइज टेस्ट होने वाली है, कभी भी हो सकती है दिन में, इसलिए उठा हूं। वो बच्चा पूछता है पर दादाजी आप क्यों उठे हो, वो कहता है मेरी भी सरप्राइज टेस्ट है। डेथ, मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसलिए जल्दी उठ के तैयारी कर रहा हूं। अमृत वेला, सुबह सुबह उठ जाओ, अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ और तैयारी करो पूरे दिन कर, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कल का दिन ही अंतिम हो, कोई कह सकता नहीं है, कह सकता है क्या, सेकेंड लास्ट डे, मम्मा का वही स्लोगन है, व्यक्ति ऊपर खड़ा है, कितनी बार बताया है यहां पर भी, छत पर है, उसका दोस्त नीचे आया, वो कहता है हेलो मैं आ रहा हूं तुम रुको, नीचे उतरते होते सीढ़ियों में हार्ट अटैक, खलास, खत्म। एक हॉस्पिटल में एक व्यक्ति अपनी माँ को एडमिट करने आया, बहुत सीरियस थी, स्ट्रेचर पर वगैरह लेके आया, सांस फूल रही थी, उसको आईसीयू में लेके गया, उसने कहा मैं जस्ट अभी आता हूँ, बाहर गया रोड पर और वहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहीं ख़त्म। अनित्य है, ए फॉर अटेंशन, बी फॉर ब्राह्मण कल्चर, स्वमान और स्वराज्य अधिकारी, सी फॉर कॉल ऑफ द टाइम, डी फॉर दिमाग खाली और दिल साफ, डी फॉर ड्रिल, ई फॉर एम्प्टी, एफ फायदे, किसके फायदे, ब्रह्मा कुमार बन, ब्रह्मा कुमारी बनने के फायदे, क्या क्या फायदे है बताओ, फायदे नुकसान ही ज्यादा दिख रहे हैं। नुकसान में भी फायदा है। टॉप 10 फायदे बता दो बस,
टॉप 10 बंधन मुक्त, बहुत सारे झंझटों से बच गए, पर यहां झंझट खड़ी कर दी उसके क्या, कुछ कुछ तो यहां पे भी खड़ी हो गई, वहां तो झंझटों से मुक्त हो गए, सास ससुर ननद देवरानी उधर के छूट गए, पर यहां खड़े हैं सारे, यहां पर भी वही सारे हैं, मौसी कर नाम नहीं है बस, बस फ्रंट में बीके लिखा हुआ, पर है तो ननद, है तो देवरानी, है तो जेठानी, है तो सास, है तो ससुर, खाली नाम नहीं है बस, बाकी तो वही है। अभी टॉप 10 फायदे बाबा ने कहा है, कितने फायदे हैं, बहुत सारे फायदे, फायदे ही फायदे ऐसा कहा है, कौन से बताओ, एक तो बताओ, पहला वो भगवान मिल गया सबसे बड़ा, वो मिल गया और उसने सब बता दिया क्या है। एक व्यक्ति है जिसने रचना की है, ठीक है, एक पॉटर है जिसने मड़के बनाए हैं, सबसे ज्यादा मड़के के बारे में किसको पता रहेगा, उसी को पता रहेगा, तो वो भगवान है, उसने इस सृष्टि की रचना की, भले वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया, बट सृष्टि की रचना उसी ने की है और उसी ने कहा है इस सृष्टि में सुख नहीं है, और हमारा सारा पुरुषार्थ क्या है, इसी सृष्टि में सुख ढूंढना, जबकि जिसने बनाया है वो कह रहा है दिस इज माई प्रोडक्ट, आई नो अनित्यम असुखम लोकम, गीता में लिखा है ये संसार अनित्य है, असुख है, यहां के किसी सुख में सुख नहीं है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, सुख उसी में ढूंढ रहे हैं जिसमें है नहीं, जबकि जिसने प्रोडक्ट माल जिसने बनाया है वो खुद कह रहा है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, दिस इज माई चाइल्ड माई बेबी, वो अलग है, वो अब के बारे में बता रहा है, ये कलयुग में कहां से सुख है, कागविष्ठा समान सुख, ये उसके महावाक्य है। तो वन वो ही मिल गया, दूसरा ये परिवार, प्यार, मधुबन, सृष्टि का ज्ञान, सूक्ष्म वतन, परम धाम, सतयुग की संकल्पना, और स्वयं का ज्ञान, स्वयं के अनेक जन्मों का ज्ञान, समय का ज्ञान, हाँ बहुत सारी प्रतिभाएं कितनी बाहर आ गई, पहले ये सब थी क्या, कुछ नहीं था, बुद्धू थे बिल्कुल, यहाँ आते ही सब कुछ बाहर निकल गया, यहाँ सेवा में आए नई नई सेवाएं मिली, अलग अलग डिपार्टमेंट में सेवाएं मिली, वो सब सीख के आए थे क्या पहले, सब यहाँ सीखा, सब 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 कितनी सारी कलाएं बाहर निकल के आ गई, ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। और दूसरा लोगों का सम्मान किस दृष्टि से देखते हैं लोग, ये देखो जा रहे हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, हाँ पढ़ना नहीं आता, पढ़ना सीख लिया कितने, अरे चलो जिनको आता भी नहीं तो भी उनको इंग्लिश शब्द तो पता है, वंडरफुल ड्रामा ये शब्द इंग्लिश है, जिनको अंगूठा छाप है उनको भी ये आते हैं सारे शब्द, बाबा ने सब माताओं को इंग्लिश सिखा दी है खतरनाक वाली, अच्छे अच्छे शब्द आते हैं पूरे फार्मेसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तो निरक्षर को साक्षर बना दिया, कितनी बड़ी कमाल है ये। तो आप सबका होमवर्क है ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के फायदे लिखने हैं, कितने लिखोगे, 10 108 ये है होमवर्क, 10 तो ऐसे ही लिख दोगे फटाफट फटाफट, थोड़ा सोचना पड़ेगा उसके बाद, चिंतन करो मनन करो गहराई से लिखो, थोड़े अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करो, मन के फायदे, बुद्धि के फायदे, शरीर के फायदे, सामाजिक फायदे, अलग अलग तल के व्यवहारिक फायदे, अलग अलग स्तरों पर क्या क्या हुआ, इमोशनल फायदे, तो ये सारे कहाँ हैं, ए बी सी डी ई एफ लास्ट जी, जी अर्थात ग्लैडनेस। तो मुरली की शुरुआत पर आते हैं, बाप बच्चों को देखकर क्या होते हैं, हर्षित होते हैं, बच्चे भी हर्षित होते हैं। ये दिल का हर्ष क्या करता है, दो चीजें करता है, कौन बताएगा,
एक दुख भंजक है, ये संसार के जो दुख है उससे दूर करता है और बाप का अनुभव कराता है। दीज आर द टू बेनिफिट्स, किससे? ये जो हर्ष है, ये खुशी है एक, इसका क्या वर्णन करें, जो बाबा को देखकर सुबह सुबह होती है। आहा, बाबा ने कहा ये खुशी ही क्या करती है, तुमको दुखों से मुक्त कर देगी। तो ये टोटल कितनी पॉइंट्स हैं आज की मुरली में? 7 है। तो अनंत, असंख्य नदियों की, सागर की लहरों की तरह है, पर आज 7 पकड़ में आई। कल इसी मुरली को पढ़ो तो कुछ दूसरी पकड़ में आएगी, परसों पढ़ो तो कुछ तीसरी, और जीवन की जब परिस्थितियों के जब धक्के लगेंगे तब रियल समझ में आएगा कि ये है। जो भगवान कहता था मेरा जो प्रोडक्ट ये जो बना हुआ है ना अभी का, ये दुख वाला है, तुम जिसमें सुख ढूंढ रहे हो, ऐसे। और एक दाता के लिए और एक पॉइंट है, दाता वो बन सकता है जो, और एक पावरफुल पॉइंट है, सारे तो हो गए पर ये भी है, जिसको दाता पने का वरदान मिला है भगवान से, तो ऐसे दाता, मास्टर दाता, दानी आत्माओं को ऐसे मास्टर, क्षमा के मास्टर सागर आत्माओं को ऐसे, इच्छा मात्रम अविद्या आत्माओं को ऐसे, संपन्न आत्माओं को ऐसे, देना पर लेने की इच्छा न रखने वाली आत्माओं को ऐसे, जो देवता है, जो लेवता नहीं है, ये ठीक हो जाए तो वो ठीक हो जाए, पहले ये ठीक करो, ये ठीक, ये बदले तो मैं बदलूँ, ये नहीं, ऐसे याद और सेवा का बैलेंस, ऐसे कर्म और योग का बैलेंस, ऐसे स्वमान में रहने वाले, ऐसे याद में रहने वाले, ऐसे हर्षित रहने वाले, ऐसे सच्ची दिल वाले, ऐसे स्वराज्य अधिकारी वाले, ऐसे इष्ट देव इष्ट देवियों को, ऐसे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों को, ऐसे ऐसे दिमाग खाली और दिल साफ आत्माओं को, ऐसे शुभ भावना शुभकामना वाली आत्माओं को, ऐसे ब्राह्मण कल्चर को अपनाने वाली, ब्राह्मण कल्चर को धारण करने वाली आत्माओं को, स्वमान में रहने वाली और स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, ऐसे अमृत वेला प्लेन बुद्धि होकर बैठने वाली, तो क्या होगा? बाबा की टचिंग होगी। किसके लिए टचिंग होगी? विधिया सेवा की। ऐसे संतुष्ट आत्माओं को, ऐसे मजबूत पंख, पंख पावरफुल, पंख पावरफुल, बाबा और उड़ो, रेडी स्टडी एंड गो, ये है ड्रिल, इस ड्रिल को करते रहो। और नीचे बैठने वाली आत्माओं को, मधुबन वालों को, नयों को, फर्स्ट टाइम जो आए हैं, डबल विदेशियों को, ऐसे बाप, एक और पावरफुल पॉइंट है इसी मुरली में, बाप बच्चों की याद बिना रह नहीं सकते, ऐसा कुछ है ना, एक सेकंड भी नहीं रह सकते, तुम पूरा दिन भर रहते हो पर मैं एक सेकंड भी नहीं रह सकता हूं। बाबा भगवान के व्हाट्सएप में तुम्हारा लास्ट सीन 4 AM है, जब वो रात को मोबाइल चेक करता है 10 o'clock, तो तुम्हारा जो लास्ट सीन है वो कब है? सुबह 4, उसके बाद में तुम गायब थे। ऐसे ढेर सारे लक्ष्य लक्षण को समान करने वाली आत्माओं को, अटेंशन रखने वाली आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।